जैसा सोचते हो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि जगत के मूल में शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी की आलादनी शक्ति से ये जगत का विस्तार हुआ है। तो इतना सूक्ष्म और मल्टीपर्पज है कि उसमें जैसा भी बनाओ तो भावना वैसे ही देखता है। उसी परमात्मा की सत्ता से प्रकृति और प्रकृति के त्रिगुणों से पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार ये उत्पन्न हुआ, इसलिए इन भूतों में भी जैसा घुमावा करो तो घूम जाता है और मन में भी जैसा सोचो ऐसा सच्चा हो भासता है, क्योंकि सत्य से निकला है। जैसे सोने में से जैसा भी जेवर बनाओ बन जाता है, मिट्टी में से जैसा भी शकुरा सुराही बनाओ बन जाता है, मूल रो मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे खिलौने बन सकते हैं, सोना रो मटेरियल ऐसा है कि बहुत सारे गहने बन सकते हैं, सूत रो मटेरियल ऐसा है कि बहुत प्रकार का कपड़ा बन जाता है, कपड़े से के बहुत प्रकार के पैजामे और कुर्ते और ये और वो सब बन जाता है। वास्तव में परब्रह्म परमात्मा आकाश से भी सूक्ष्म सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है। उस परमात्मा की घन सुषुप्त अवस्था ये पहाड़ पत्थर आदि में उसका अस्तित्व मौजूद है। पत्थर को पहाड़ को तोड़ो, राई जितने बालू के कण को तोड़ो पिस, उसका कण कण हो जाएगा, आंखों से ओल ओल भी नहीं कहीं उसका अस्तित्व रहेगा। ठीक है, ये परमात्मा की सत्यता पत्थर पहाड़ में भी देख सकते बुद्धिपूर्वक। परमात्मा चेतन है, कीड़ी मकोड़े बैक्टीरिया में भी उसकी चेतनता दिखती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो संस्कारी अंतःकरण में परमात्मा का सुख झलकता है। साधारण व्यक्ति के कुत्ते के हृदय में भी सुख झलकता है, इसलिए पूंछ हिलाता है, करता है, कूदता है। इन सुख का शुद्ध रूप झलकाना है तो हृदय को शुद्ध बनाना पड़ता है। शुद्ध हृदय कैसे बनता है कि शुद्ध ज्ञान से हृदय शुद्ध बन जाता है। सांख्यवादी कहते हैं कि संसार दुख में है, तत्व दृष्टि से कहा जाए संसार अस है, जड़ है और दुख रूप है, क्योंकि पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, अभी भी नहीं की तरफ धरा। ईश्वर का शुद्ध स्वरूप नहीं, ईश्वर की माया है, खेल है। और भक्त बोलते हैं संसार भगवान में है, क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवतमय है। विचारवान बोलते हैं संसार दुखमय है, दुखालय, ये भी शास्त्र है। और सेवा जगत है, ये भी शास्त्र और महापुरुषों के वचन है। तो दोनों में से सच्चे कौन से? जगत दुख रूप है, ये बात भी दिखती है, दुख ही दुख, इतना कुछ करो फिर भी दुख ही दुख। भगवान जगत भगवत स्वरूप है, ये बात भी शास्त्रीय है, सबकी गहराई में तो भगवान की चेतना है। तो दोनों दृष्टि से दोनों बात सच्ची है। अगर जगत से मजा लेने की इच्छा है, जगत की वस्तुएं इकट्ठी करके सुखी होने के रास्ते चलता है, उसको दुख मिलता है, क्योंकि सारी वस्तु मन पसंद इकट्ठी होगी होगी तो संभलेगी नहीं, संभली तो भोगी नहीं जाएगी, और भोगी तो शरीर ठुक जाएगा, दुख ही दुख मिला। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं अमेरिका में, ये भोग का ही तो फल है। स्नायु रोग, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को कुछ है, रोगों में ताकत कम, वो एनर्जी ज्यादा नाश हो जाती है ना, संभव से अथवा संभव के विचार करने से, ऐसे चित्र देखने से वो जो वीर्य है, धातु है, ऊर्जा है, वो क्षीण हो जाती, तो रोगों की कमजोरी का रोग लागू हो जाता है। धीरे धीरे शुरू होता है तो पता नहीं चलता, जब एकदम बढ़ जाता है तो पता चलता। शुरुआती कैंसर तो लेबोरेटरी वालों को भी पता नहीं चलता, कैंसर शुरुआती कैंसर का, जब बढ़ती है तब पता चलता।
शुरुआत होती है फिर बढ़ चलती कमती हो रही। कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो वैद्य बोलता है कि इसको ये कैंसर के ये खाने से कैंसर के लेबोरेटरी में देखा तो नहीं है, बाद में एकाएक डॉक्टर ने बोला कि हाँ तुमको कैंसर सारे सिर में हो गया। भाई हर 15 दिन तो हम चेक करते थे, आप चेक करते थे हमको? हाँ बोले उस समय तो नहीं देखता था, अभी पूरे शरीर में। तो मशीन का ज्ञान अपना है, मनुष्य ही सात्विक बुद्धि ज्ञान अपना है, लेकिन ये ज्ञान जो है मशीनों का ज्ञान नहीं है, राजसी तामसी बुद्धि का नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं, सारी बुद्धियों का उद्गम स्थान का ज्ञान है तत्व ज्ञान। जयराम जी की। जो तत्व ज्ञान में टिक जाते योग सामर्थ्य में वो ऐसे अभूत त्रिकालज्ञ हो जाते हैं कि आपको क्या भय। परिषद की मृत्यु हो गई तक्ष के काटने से और राज जन्म जाए उसका पुत्र राजा बना। पिताजी मरते समय कथा सुनी, कथा में सार है तो हम अभी से कथा सुने। कथा सुनते सुनते जन्मे जय के मन में भगवत के प्रसंग के प्रति शंका हो गई कि ये कैसे हो सकता है। कृष्ण नहीं चाहते थे युद्ध करना, विष्णु भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे और फिर भी युद्ध हो गया, ये बात पूछिए नाटक क्या होगा। युद्ध अगर थामना चाहे तो शाम दंड भेद से युद्ध सकता था, तो कथा करने वाला कैसी बात नहीं है, जो अवश्यम भावी होता है वो होके ही रहता है। बोले तो बात हम मानते। भगवान वेद व्यास के पास गए, बोला ये महाभारत में शास्त्र में बारे के कृष्ण युद्ध रोकना चाहते थे और फिर भी हो गया युद्ध, ये मेरे को बात समझ में नहीं आती, ये बात मैं मानता नहीं, मुझे विश्वास नहीं। तो व्यास जी ने कहा अच्छा जन्मेजय देख, होनी 3 प्रकार की होती है, साधारण, दूसरी मध्य और तीसरी तरतीव्र। साधारण, तीव्र और तरत। तो साधारण होने को पुरुषार्थ से बदला जा सकता है या कोई भी बदला, तरतीव्र तो होके रहती। तो महाराज क्या तीव्र इसमें क्या, युद्ध कृष्ण चाहते तो टल सकता था, भीष्म जैसे लोग नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं चाहते फिर भी दुआ। तो व्यास जी मुस्कुराए, बोले अच्छा जन्मेजय तेरा क्या होने वाला है मैं बताता हूं, अब तू उसको टाल सके तो टाल दिखा। आज की तिथि, आज की तारीख बराबर 1 साल के बाद तू काले घोड़े पे मत बैठना, लेकिन तू काले घोड़े